नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। हम पंकज जथबाल, तो हमारे वीडियो में बने रहे। इतो तो लाए हैं झूठों के, सच्चों को नहीं समझिएगा, तो वीडियोज में बने रहे। अभी हम आप लोग को दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है। टाइम 8 बजने वाला है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सुजाता मिश्रा खाना बना रही है और हमारे पंडित जी जिनका नाम है बबलू पंडित जी, वो अभी प्याज काट रहे हैं, तो उनको भी दिखाया जाए। क्या करें, घर में सब काम करना पड़ता है। आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं सो कमेंट जरूर कीजिएगा। जिंदगी में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष का नाम जिंदगी है। फोकस कीजिए, यही पंडित जी है जो हमको उठा के लाए हैं। और बोलिए, देखिए दोस्तों देखिए, ये सब गरीबी का देन है, क्या करे। एक भी रुपया नहीं आता आईडी से, नहीं कुछ, रिपोर्ट मारा जाता है, गाली सुनना पड़ता है, आशीर्वाद। लोग ऐसा ऐसा चीज कहता है कि गांव समाज हर जगह से गिर चुके हैं हम लोग। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज को, ताकि देखिए सुजाता मिश्रा ऐसे खाना, गैस उस भी खरीदा जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है इनका, गैस भी नहीं है इनके पास, चूल्हे पर खाना बनता है, रोज बनता है, आप लोग वीडियोज में देखते हैं, रोज खाना बनता है चूल्हे पर। और ऐसा स्थिति है कि पंडित जी भी प्याज काट रहे, बताइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि अभी फिलहाल में गैस चूल्हा हर चीज़ दनादन हो जाए, तो इसलिए सपोर्ट किया जाए। सुजाता मिश्र से कुछ बात करते हैं, तो बताइए कैसे कैसे खाना बनाना होता है, आप बता दीजिए अपने दर्शकों को। आप लोग कैसे हैं और स्वागत है मिश्रा ब्लॉग में, आप लोग अच्छे होंगे। और खाना बनाना तो औरत के काम ही है और दिक्कत बहुत होता है। अभी फिलहाल देवर भाभी का वीडियो वायरल लीक हुआ था, बड़ी टेंशन की बात है। सब बहुत बहुत क्लेम करते रहते हैं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहता है क्योंकि बाहर ज़्यादा जाते आते हैं तो तबीयत तो स्वाभाविक ख़राब रहता है। और गलत गलत कमेंट करते हैं कि सुजाता जी अपने पति को छोड़ के भाग गए, ये किए वो किए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम काहे भागे, क्यों छोड़ के भागे, हम लोग थोड़ा मनोरंजन के लिए कुछ बोल देते हैं, वीडियो बना देते हैं, बस हो गया। और वो वीडियो ना मनोरंजन के लिए बना था, ट्रेंड कर रहा था, तो हम तीनों आदमी पंडित जी बोले कि ये वीडियो बनाइए ना, ट्रेंड कर रहा है, तो आप सबका कृपा से तो 1 मिलियन गया है। और हम लोग क्या करें बताइए, हम लोग एनी टाइम हिंदी में बैठे, सबका टीआरपी के चक्कर में मेरा टीआरपी लग गया है, मैं भी 1 भी रुपया नहीं कमाती हूँ, सब मुझसे फायदा ही खोजता है, ये नहीं सोचता है कि थोड़ा आगे बढ़ा दे। देखिए आप ही लोग कहते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो बोलता है सेल्फी दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, हम सोचते हैं सबसे बेकार, मेरे घर बराबर आपको दिखाते रहते हैं, मेरे गांव को भी लोग आप टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं कि आप बहुत पैसे कमाते हैं, बहुत ऐसे परेशानी झेलना पड़ता है। और मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच्चाई कह रही हूँ कि मैं, मुझे काम रहता है तभी नहीं के साथ जाते हैं, नहीं तो मैं अपने पंडित जी के साथ यानी पति जी के साथ रहते हैं। और पंडित जी हमें बहुत मानते हैं, पर मैं बच्ची नहीं हूँ, दुखती नहीं बदली बच्ची। और आज हम देखिए हम क्या बना रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये खाएंगे
ना मिला है तो कैसे कैसे मिल गए पति? कैसे कैसे मिल गए? अभी पढ़ाइए, अभी किसी बचपन से पचपन रेगुलर पढ़ाइए, प्यार हो जाएगा तो उसी के साथ शादी कर लीजिएगा। ऐसा थोड़ी ना पंडित जी कि प्यार हुआ तो शादी कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। प्यार होता है शादी नहीं, प्यार करिए तो शादी काहे ना करें। अच्छा तो आप बताइए कि लड़कियों लोग को क्या कहते हैं कि भोला बाबा को पूजा करना चाहिए कि लड़की लोग को? जितना भी पढ़ने वाली लड़की है सब मेहनत करे, पढ़े लिखे, अच्छे इंसान बने, अपने वंश को नाम करे और पूजा पाठ मत करे। पूजा करे समय से करे, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे। नहीं तो सुनने में आया कि लड़की सब जितना मतलब है ना तो वो लोग भोला बाबा की पूजा करती है तो क्या कहते सोमारी करती है तो उनका बढ़िया हस्बैंड मिलता है, जॉब वाले मिलता है, ऐसा भी होता है? ऐसा बात नहीं है। लड़का सब क्या करेगा पंडित जी? जो नसीब में लिखा रहेगा वही होगा। अच्छा आपसे एक सवाल है, आप पंडित जी हैं, पंडित हैं तो लड़का सब ऐसा क्या करेगा कि लड़की अच्छा मिले? नहीं, लड़का पहले पढ़े, अच्छा काम करे तभी मिलेगा अच्छा लड़की, या बिजनेस करे। मान लो कि नौकरी नहीं होगा तो इसका मतलब नहीं कि हम बाल बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, मान लीजिए अगर लड़का को अगर पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे बेरोजगार है, नहीं कमाने का कोई साधन है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, क्या उसका अच्छा पत्नी काहे नहीं मिलेगा? मिल जाता है। तो आजकल के लड़की लोग लड़की सबको बोले गार्जियन भी कहते हैं कि लड़का क्या करता है, ये नहीं सोचती है कि मेरी बेटी क्या करती है। मान लीजिए पढ़ी लिखी हुई इंटर पास है तो बेरोजगार लड़का से भी कर सकती, लेकिन नहीं हम करेंगे शादी किन से, मेरी बेटी को अच्छा लड़का हो मतलब कमाता हो, ये नहीं देखती है कि बेरोजगार लड़का भी कमा सकता है। कभी बेरोजगार लड़का का कोई वैल्यू नहीं। अच्छा एगो सीतामढ़ी में है मोहन का टिकट पर उनने करके लड़की है, उस चाट का दुकान खोली है, उनने चाट वाली नाम है उसका। कहाँ दुकान? नसल यहाँ मोहन सा के सीतामढ़ी। अच्छा तो यही सब होता है, क्या करे जिंदगी में यही है लड़का का ब्लॉग को यही पैन करते हैं गाइस। तो गाइस ब्लॉग को यही एंड करते हैं ताकि अभी टाइम बहुत लेट हो गया है तो हम लोग को वीडियोज भी एडिट करना काम कुछ बाकी है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।